दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। कपिल शर्मा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वे कभी भी सुसाइड कर सकते हैं। ये कहना है कपिल की पूर्व मैनेजर और एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस का। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये चौंकाने वाला बयान दिया। गौरतलब है कपिल ने प्रीति, उनकी बहन नीति और एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट के एडिटर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कपिल ने इसे लेकर कई ट्वीट्स भी किए थे। इसके बाद ही प्रीति का ये शॉकिंग स्टेटमेंट सामने आया है। प्रीति ने बातचीत में कपिल को समझदार बताते हुए कहा कि हो सकता है कि उनके फोन से ट्वीट उनकी गर्लफ्रेंड गिन्नी चतरथ ने लिए हों। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कपिल ने ऐसा किया होगा। हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गिन्नी या है किसी और ने उनके फोन से ये हरकत कर दी हो। प्रीति की माने तो अगर गिन्नी ने कपिल के फोन से ट्वीट किए हैं तो उन्हें उन पर और उनकी चॉइस पर तरस आता है। वे ये भी बोली कि उन्हें कपिल की ओर से कोई लीगल नोटिस नहीं मिला है। प्रीति ने इस बातचीत में कहा कि कपिल की हालत पिछले कुछ महीनों से बेहद खराब चल रही है, उनके मन में अक्सर सुसाइड का ख्याल आता रहता है। प्रीति ने ये संदेह भी जताया है कि कपिल सिर्फ में डिप्रेशन नहीं है बल्कि वे बाइपोलर या सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी से भी ग्रस्त हैं। प्रीति के मुताबिक जब वे कपिल की मैनेजर थीं, तब वे न केवल शो बल्कि उनकी लाइफ को भी मैनेज कर रही थीं। अगर प्रीति की माने तो खुद कपिल ने उन्हें बताया था कि उनकी गर्लफ्रेंड गिन्नी नहीं चाहती थी कि वे उनके साथ काम करें। वे कहती हैं, कुछ समय पहले कपिल काम की बात करने के लिए मेरे घर आए थे, लेकिन जब वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने मैसेज कर मुझे बताया कि गिन्नी को मेरे साथ उनका काम करना पसंद नहीं है। प्रीति का कहना यह भी है कि उन्हें कपिल से कोई दिक्कत या नाराजगी नहीं है, बस वे उनकी लाइफ को लेकर चिंतित हैं। वे कहती हैं कि उन्होंने कपिल से प्यार किया है और वे उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। वे जल्द से जल्द उन्हें सलामत देखना चाहती हैं। शुक्रवार रात कपिल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि उन्होंने स्पॉट अप बॉय के एडिटर विक्की लालवानी, अपनी एक्स मैनेजर प्रीति सिमोस और उनकी बहन नीति सिमोस के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कपिल ने अपनी शिकायत में लिखा था कि उनकी एक्स मैनेजर प्रीति सिमोस और जर्नलिस्ट विक्की लालवानी ने उनसे 25 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की। कपिल का कहना यह भी है कि जब उन्होंने यह रकम देने से इनकार कर दिया तो प्रीति और उनकी बहन नीति के कहने पर विक्की लालवानी ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ झूठी खबरें छापना शुरू कर दिया। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।